हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 5 अक्टूबर के 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम 4 से 5 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम 30 जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो 30 जीके जीएस प्रश्न हो जाएगा, 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएंगे और लगभग जो है 50 जो है कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतनी क्लास को करने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तो कम से कम बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी साथ में कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा उपर्युक्त सभी को मिला है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बात करें कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना कब से शुरू किया गया है तो 2004 से शुरू किया गया है। शास्त्रीय भाषा या इसे क्लासिकल लैंग्वेज भी कहते हैं, और कौन प्रदान करता है यह दर्जा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह दर्जा दिया जाता है। अब तक जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेज भारत में थी, कब तक? तो 2024 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी? तो 6 थी। कौन कौन सी थी? पहली थी शास्त्रीय भाषा तमिल, जो 2004 में इसे जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। संस्कृति को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में, और नवीनतम जो दिया गया था 2014 में उड़िया को दिया गया था। लेकिन अभी जो है 3 अक्टूबर को 5 और नई क्लासिकल लैंग्वेज भारत में शामिल की गई हैं। तो टोटल अगर पूछे भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं तो 11 बताएंगे, ठीक है? तो 5 और नई देख लेते हैं कौन कौन सी मिली है। तो 3 अक्टूबर 2024 को जो है कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा यह मंजूरी दे दी गई है भारत में 5 नई शास्त्रीय भाषाओं का। 5 नई शास्त्रीय भाषाएं कौन है? असमिया, बंगाली, पाली, प्रकृत और इसके बाद मराठी। तो वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है तो यह मराठी है। नवीनतम अगर पूछे कौन सा है तो यह मराठी है, ठीक है? तो 6 ऊपर देखा था और 5 यहाँ पे। तो टोटल हमारे भारत में अगर पूछे कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं तो 11 हो गई हैं। कौन यह दर्जा देता है? तो यह दर्जा दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय के तहत। और जो ये 5 नई शास्त्रीय भाषाएँ दर्जा दी गई हैं, किस तारीख को दी गई हैं? तो 3 अक्टूबर 2024 को दी गई हैं, ठीक है? तो किसको कब दी गई है ये सन आपको याद रख लेना है। और इसके बाद प्राचीनतम तो जरूर याद रखेंगे, नवीनतम अब कौन हो जाएगा? मराठी नवीनतम हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें ललन टॉप में, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। किसकी याद में? पीसी महालनोबिस जी की याद में। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रेलवे ने 3 नए सुरक्षा कानून की जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो यह जयपुर बना है। पहला पूछे कहाँ बना था? तो गुवाहाटी में बना था। कहाँ पर? असम गुवाहाटी में पहला वाला बना था, दूसरा जयपुर में बना है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो तुर्की देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो इन दोनों योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने कितना बजट जारी किया है? तो 1,00,000 करोड़ रुपए जारी किया है। अब इसकी अगर व्याख्या देखें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, इन दोनों के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 रुपये बजट में जारी कर दिया है, ठीक है? कितना? तो 1,00,000 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना का संबंध या उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है धारणीय कृषि करना, पर्यावरण को ध्यान में रखकर कृषि करना इसका उद्देश्य है। और जो ये दूसरा वाला लॉन्च किया गया है कृषि उन्नति योजना, इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा और साथ साथ खाद्य आत्मनिर्भरता स्थापित करना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब बात करते हैं SCO 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? अस्ताना में हुआ था। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। G20 2024 कहाँ पे इसकी बैठक होगा? तो ब्राज़ील में होगा। G7 की बैठक अभी हाल ही में आपातकालीन स्थिति के लिए फिर से इटली के द्वारा ही बुलाया गया है। ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो यह रूस में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो होपेक्स अभ्यास का आयोजन इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। किसके बीच में? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होने वाला अभ्यास है।
हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को सम्मानित किया गया है और यह कहाँ है, कलकत्ता में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूचना लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है, यानी कि MSME कब मनाया जाता है, तो यह 27 जून को मनाया जाता है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो शिमला में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरे प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा, तो यह आयोजित होगा चेन्नई में। इसकी व्याख्या देखें तो एयर शो किस क्रम की है, तो 92वें क्रम की आयोजित की गई है। किसकी, तो वायुसेना की। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में किया जाता है, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 2024 में अगर पूछे जो एयर शो हो रहा है 92वें क्रम की, यह कहाँ पे होगी, तो यह चेन्नई में होगा। चेन्नई में किस जगह पे, तो चेन्नई के मरीन बीच पर आयोजित किया जाएगा एयर शो वायुसेना का। और इस बार अगर बात करें कि वायुसेना की थीम क्या रखी गई है, तो एयर फोर्स सक्षम सशक्त और आत्मनिर्भर, इसकी थीम रखी गई है। वहीं पूछे कि जो 91वें क्रम का एयर शो हुआ था एयर इंडिया का, वायुसेना का, यह कहाँ पे हुआ था, तो 91वें क्रम का 2023 में एयर शो कहाँ पे हुआ था वायुसेना का, तो यह प्रयागराज में हुआ था। अगर पूछे वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो अमरप्रीत सिंह हैं। तो याद रखेंगे 2024 का जो एयर शो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई में। किस क्रम का है, तो 92वें क्रम का है। और कहाँ पे होगा, तो मरीन बीच पे होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो 100वां बन गया है पराग्वे। और वही पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बना है, तो 101वां देश बन गया है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है, तो बनेर घट्टा पार्क में प्रारंभ हुई है। और यह पूछे पार्क कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, तो ओम बिड़ला जी को चुना गया है एक बार फिर से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है, NS राजा सुब्रमण्य जी को नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो यह पेरिस में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, इसमें अभी जो है भारत शामिल हुआ है, ठीक है। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा हब की स्थापना कब होती है, 2018 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में भारत शामिल हुआ है, लेकिन पूछे भारत की तरफ से कौन सी एजेंसी ने इसमें भाग लिया है, शामिल हुआ है, तो BEE इसमें भाग लिया है, यानी शामिल हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में कहते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसकी स्थापना करने के लिए एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 2001 में। और वहीं पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो सके, पर्यावरण संरक्षण और अच्छे ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा हब स्थापित किया गया था 2018 में, ठीक है, 2018 में स्थापित किया गया था। अभी जो है भारत की तरफ से इसमें नोडल एजेंसी BEE इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल में जो प्रोटोकॉल हुआ था कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, इसलिए उस 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल अगर पूछे कहाँ पे हुआ था, तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल जगह पूछे किस देश में है, तो यह कनाडा में है। हाल ही में इसरो ने तीसरी बार और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो चित्रदुर्ग में किया है। चित्रदुर्ग स्थान कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि नाटो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है मार्क रूटो को। नाटो की स्थापना कब होती है, तो 1949 में जो है नाटो की स्थापना होती है। नाटो का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पाँचवा,
हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस 2024 मनाया गया है 4 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूरी व्याख्या के साथ देखते हैं। तो विश्व पशु दिवस अगर पूछे कब मनाया गया है, तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। 2024 में इसकी थीम रखी गई है, दुनिया उनका भी घर है, यह थीम रखी गई है। अगर पूछे किसकी याद में जो है विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, तो हेनरिक जिमरमैन के सम्मान में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर बात करें कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यह 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और 2024 में पूछे किसकी थीम क्या रखी गई है, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रखी गई है। क्योंकि 4 अक्टूबर को ही विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 में विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक। यह स्पुतनिक विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह था। और पूछे कि किस देश ने इसको बनाया था, तो यह रसिया ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, तो रसिया ने इसको बनाया था, ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन था, तो इसका नाम था आर्यभट्ट। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है, तो योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ इसकी थीम है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व आर्थिक मंच में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है, तो एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की गई है नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया गया है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। और किस क्रम का मनाया गया है, 25वें क्रम का मनाया गया है। और इस समारोह के लिए भागीदार देश बनाया गया है वेल्स को। वेल्स पूछेंगे किस महाद्वीप में पड़ता है, तो यूरोप महाद्वीप में का यह देश है। किस महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का देश है। और किस स्थान पर, तो आप सभी को पता है यूके यानी ब्रिटेन जो पड़ता है, जहाँ पर आयरलैंड पड़ता है, और उसी के साथ साथ जो है वेल्स भी पड़ता है, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, ये सब जगह एक ही पास हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 25वें क्रम का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल चलता है, यानी कि 10 दिवसीय फेस्टिवल है। और पूछे कि 1 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। तो नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, इसलिए 1 दिसंबर को ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही त्यौहारों का त्यौहार कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है त्यौहारों का त्यौहार किस फेस्टिवल को कहते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहते हैं। 2024 में जो है ये 25वें क्रम का हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है, इसमें भागीदार देश किसको बनाया गया है, तो वेल्स को बनाया गया है, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध किससे है, तो यह चाइना से संबंधित है। हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर फॉर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वां स्थान मिला है। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक आर अश्विन जी की है। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है रज महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित हुआ है, तो वातावरण आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो वातावरण या इसे ग्रीन फेस्टिवल भी कहते हैं, पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण या इसे ग्रीन फेस्टिवल कहते हैं का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह दिल्ली में किया गया है। 2024 में अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम क्या रखी गई है, तो वेटलैंड फॉर लाइफ इसकी थीम रखी गई है। और यह फेस्टिवल अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो ये फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है, कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है, तो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। थीम है इसकी वेटलैंड फॉर लाइफ। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसका नाम रखा गया है वातावरण या इसे ग्रीन फेस्टिवल भी कहते हैं।
वहीं पूछे कि खुशहाली महोत्सव या हरियाली महोत्सव, ये दोनों फेस्टिवल कहाँ आयोजित किए जाते हैं, तो दिल्ली में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कौटिल्य आर्थिक फेस्टिवल अभी जो है पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कौटिल्य आर्थिक महोत्सव 2024 की थीम पूछे क्या रखी गई है, तो भारतीय युग इसकी थीम रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस 2024 मनाया गया है 14 जून को। हाल ही में चर्चा में रहा लाल मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है, तो ये तीनों जो है मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बना दिया है, तो यह अमरावती को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आठवां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायो प्लांट, बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गेल कंपनी का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है झारखंड में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो गेल कंपनी का अगर पूछे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है रांची झारखंड में। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। इसका शुभारंभ पूछे किसने किया है, तो शुभारंभ किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। और ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा झारखंड में, इसका उद्देश्य क्या है, तो सॉलिड वेस्ट यानी जो कचरा है इसको जो है वेल्थ में कन्वर्ट करना, यानी जो कचरा है उसको जो है हेल्दी के रूप में यूज करना, यानी कि उसको अच्छी तरह से पर्यावरण में यूज हो सके, उसके लिए जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ पे, रांची झारखंड में लगाया जाएगा, जिसके तहत जो है 150 टन प्रतिदिन जो कचरा है इसको वेल्थ में निस्तारण किया जाएगा, यानी कि वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा। कितना, तो 150 टन कचरा प्रतिदिन। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, गेल कंपनी का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट तो झारखंड रांची में किया जाएगा। और पूछे कि गेल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, और गेल जो है एक महारत्न कंपनी है भारत की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अभी जो है आप सभी को बताना है कि किस यूटी में जो है, किस यूटी में 5 नए जिले जोड़े गए हैं, जिसका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 नए जिले अगर पूछे किस यूटी में जोड़ा गया है, और ये 5 नए जिले जोड़ने के बाद उस यूटी में जो है टोटल 7 जिले हो गए हैं। एक तो हो गया है लेह और दूसरा हो गया है कारगिल, ठीक है। तो ये 2 जिले पहले से थे और ये 5 नए जिले जुड़ने के बाद वर्तमान में 7 जिले हो गए हैं। किस यूटी में हो गया है, तो लद्दाख में हो गया है। किस यूटी में, तो लद्दाख में हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो ब्रिक्स 2024 रूस में हुआ है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, तो मोहन चरण मांझी जी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन का पहली बार जो है अगर पूछे पुरुष एकल का खिताब पहली बार किसने जीता है, तो कार्लोस अलकराज जी ने जीता है। किसमें, तो पुरुषों में। और पूछे महिला में किसने जीता है, तो ईगा स्वेटक ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा, तो जलवायु परिवर्तन के कारण किसकी सीमा फिर से जो है पुनर्निर्धारण की जाएगी, तो इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा में जो है बदलाव किया जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूरोप महाद्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्पस पर्वत, तो आल्पस पर्वत पूछे कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है, और इसी आल्पस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी का नाम है मैटर हॉर्न पीक। और अगर पूछे कि यह जो है पीक यानी कि यह चोटी किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड और इटली में है। और इसी पीक पर जो है मैटरहॉर्न पीक पर ग्लेशियर जो है जमा हुआ था, जो धीरे धीरे पिघल रहा है। किसके कारण पिघल रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रहा है, जिसकी वजह से जो है इटली और स्विट्जरलैंड में सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। मान लीजिए इतने दूर में ग्लेशियर जमा हुआ था, लेकिन अब ग्लेशियर जो है मान लीजिए एक साइड से इतना पिघल गया है, अब इतना ही ग्लेशियर बचा हुआ है, तो इधर जो है स्विट्जरलैंड है और इधर जो है इटली है, तो इटली बोलेगा कि अगर आप यहाँ तक अपना सीमा बना ले रहे हैं, तो बाद में जब ये पिघलेगा तो बीच से अगर निर्धारण करेंगे तो हमारे पास इतनी ही ज़मीन आएगी, जबकि आपके पास इतना चला जाएगा। तो इसलिए जो है एक बार फिर से जो है सीमा का निर्धारण किया जा रहा है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। किसकी वजह से, आल्पस पर्वत पर जो सबसे ऊँची चोटी है मैटरहॉर्न पीक, ये पिघल रहा है, इसी के लिए जो है सीमा का पुनर्निर्धारण इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में किया गया है। अब देख लेते हैं
कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं या अक्षांश रेखाएं जो किसी भी देश के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे मैकमोहन रेखा का निर्धारण इंडिया और चीन के बीच में होता है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है किसके बीच का निर्धारण करता है, तो यूएसए और कनाडा के बीच का करता है। 38 डिग्री अक्षांश जो है अगर पूछे उत्तरी अक्षांश किसके बीच का निर्धारण करता है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। रियो ग्रैंडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा निर्धारण करता है। हिडनबर्ग रेखा या जर्मनी और पोलैंड के बीच का निर्धारण करता है। डूरंड रेखा या भारत और अफगानिस्तान के बीच में करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन बना है, तो स्लोवाकिया बन गया है। हाल ही में इसरो ने जलवायु डाटा के लिए किस देश के साथ तीसरा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है, तो तीसरा मिशन भारत ने शुरू किया है फ्रांस के साथ, और किसके लिए, तो डेटा जलवायु डेटा संग्रहण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस बिले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन गई हैं, तो पूजा तोमर बन गई हैं। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो लुइस बिले में किया गया था, जिसको भारत की तरफ से पूजा तोमर जी ने जीत लिया है। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड का उल्लंघन करने के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जय विक्रमा पर ICC ने प्रतिबंध लगाया है, तो प्रवीण जय विक्रमा का संबंध हो जाएगा श्रीलंका से, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी जो है ICC ने बैन कर दिया है एक साल के लिए, किसे, तो यह बैन किया है प्रवीणा जय विक्रमा जी को, जो कि स्पिनर बॉलर हैं कहाँ के, श्रीलंका के, तो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है प्रवीणा जय विक्रमा, इन पर जो है ICC ने एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग का मामला है, यानी कि ये पैसे देकर क्रिकेट खेलना चाहते थे, ठीक है, तो इसी पर जो है इनको बैन कर दिया है ICC ने। वहीं पूछे कि ICC के नए अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं, तो ये जय शाह बनने वाले हैं, और ICC का सबसे युवा अगर पूछे अध्यक्ष कौन बन गया है, तो यह बनेंगे जय शाह। और पूछे ICC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ICC का मुख्यालय दुबई में है, दुबई यानी UAE में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जिसका नाम है नक्षत्र सभा का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो यह उत्तराखंड में किया गया है। अगर आप सभी को दिन में चांद तारे सितारे देखना है, तो आप सभी नक्षत्र सभा में जाएंगे, और नक्षत्र सभा कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड में। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो सुनीता विलियम्स जी बनी है, और ये अभी जो है अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं, और ये 2025 यानी फरवरी मंथ तक ये हो सकता है कि वापस पृथ्वी पर आ जाएं। 18वें लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने मतदाताओं ने भागीदारी करी है 18वीं लोकसभा में, तो 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग करा है। पूछे कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा है 18वीं लोकसभा में, तो 65.79% वोटिंग हुई है 18वीं लोकसभा में। अगर मतदाता पूछे तो इतनी मतदाताओं ने भाग लिया है, और वहीं पूछे कितने मतदाताओं के द्वारा जो है कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 65.79%। हाल ही में फिनलैंड की दूर संचार उपकरण भी निर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। जो नोकिया कंपनी अगर पूछे किस देश का है, तो यह फिनलैंड का है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ हर प्रश्न के नीचे GK GS प्रश्नों को भी देखा है। GK GS का मतलब हो जाता है, जैसे ये पहला हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ICC का फुल फॉर्म जैसे होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप सभी को मैंने पूरे अच्छे तरह से पढ़ा दिया है। ललन टॉप प्रश्न 4 से 5 हर प्रश्न में रखे हैं, चाहे देख सकते हैं, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसके बाद ये ऊपर हो गया, 3 ही है, और इतने सारे जो है GK GS प्रश्न हैं, तो लगभग 30 या 40-50 हो जाते हैं। तो हर प्रश्न में 4 से 5 ललन टॉप प्रश्न हो जाते हैं GK GS। अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रयास अच्छा लगे, तो लाइक जरूर करें, एक कमेंट जरूर किया करें वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। सर के द्वारा जो है यही क्लास जो है कितनी देर में कराया जाता है, लगभग 1 घंटे 10 मिनट में लगभग ये कराया जाता है, और इसी क्लास को हम कोशिश करते हैं कितनी जल्दी बोलते हैं, 25 से 30 मिनट के अंदर सोचते हैं कि कंप्लीट हो जाए, इसी वजह से कुछ जुबान इधर उधर भी हो जाती है, तो क्षमा करेंगे अगर कोई गलती हो। वीडियो अच्छी तरह से देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।